हेलो क्लास एट, दिस इज़ योर एक्सरसाइज 2.2। 2.1 लास्ट हमने कर ली थी, ठीक है। एग्जांपल फिफ्थ है आपका, व्हाट शुड बी एडिड टू ट्वाइस द रेशनल नंबर -7/3 टू गेट 3/7, ठीक है। इन्होंने आपसे कहा है कि कौन सा जो रेशनल नंबर -7/3 है इसमें क्या ऐड करें, ठीक है। इसमें कोई नंबर है वो ऐड करना है, ठीक है, और ट्वाइस करना है। ये रेशनल नंबर आपको क्या करना है, ट्वाइस करना है, और ट्वाइस जब आप कर लोगे, ऐड करोगे, तो आपको 3/7 मिलना चाहिए। तो ऐसे सम को सॉल्व करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे, लेट्स नंबर इक्वल टू एक्स। क्या लिखा आपने, लेट्स नंबर इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब इन्होंने कहा व्हाट शुड बी एडिड टू, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स, ठीक है, इसमें ऐड कर रहे हो आप डबल -7/3, तो आपको क्या मिल रहा है 3/7, ठीक है। एक्स प्लस में 7 × 2 = 14, -14/3 इक्वल टू 3/7, प्लस माइनस माइनस एक्स -14/3 इक्वल टू 3/7। अब आप इसका एलशियम लोगे 3 और 7 का, 3 और 7 ओड नंबर्स हैं, ठीक है, अपने साथ किसी और टेबल में जाएंगे नहीं, तो एलशियम क्या हो जाएगा, एलशियम ऑफ 3 और 7, 3 × 7 = 21, 21 हो गया। तो 1 आपने डेनोमिनेटर कर दिया, 1 से डिवाइड करा 21 को, फिर उसके बाद जो डिवाइड करने के बाद आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 21x -3 को, 3 से 21 को डिवाइड करो तो 7, 14 × 7 = 98, ठीक है। 7 से 21 को डिवाइड किया, 7 × 3 = 9, तो 21x इक्वल टू 9 + 98। अब ये माइनस का यहाँ पर है तो वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इट विल बी 17107। तो x यहाँ पे मल्टीप्लाई का है आपका 21, यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा। ये रूल्स होते हैं बच्चों, और आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा कि मतलब कि ये वाला नंबर है आपका, इस नंबर को जब आप इसमें ऐड करोगे तो आपको 3/7 मिलेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 cm एंड विथ इज 2 × 3/4 cm, फाइंड इट्स लेंथ। आपको इसकी लेंथ निकालनी है, पैरामीटर आपको गिवन है 13। आप क्या कहोगे, लेट्स इसकी जो लेंथ है वो आपने x मान ली। पैरामीटर क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है ना, तो 2 × लेंथ इज x विथ इट 2 × 3/4। इसको जब आप सोल्व करोगे इक्वल टू में, जो इसको पैरामीटर दे रखा वो आपने इक्वल टू में रख दिया, इक्वल टू में रख दिया, 2 से मल्टीप्लाई करिए इसको, या तो यहाँ पे ले जाइए, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में ले आओ, या फिर इन दोनों से मल्टीप्लाई को, बेटर है आप इसको यहाँ पे डिवाइड पे ले आओ। डिवाइड में लेकर आओगे तो जब आप सोल्व करोगे, सेम एलशियम लोगे फिर सेम डेनोमिनेटर सेम होने के बाद, जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व किया है उसी तरह से आप इसे सोल्व करोगे, ठीक है। डीपली मैंने इसलिए नहीं समझाया क्योंकि लास्ट क्लासेज में भी आपने फ्रैक्शन कर रखी है, तो ईजिली ये आपको आता होगा। वट प्रॉब्लम होती है, वट प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, पैरामीटर का फार्मूला लगा के तो आप शॉर्ट आउट करोगे। क्लियर। नेक्स्ट सम है, द प्रेजेंट इज ऑफ साइल्स मदर इज 3 times द प्रेजेंट ऑफ साइल। सपोज साइल एक्स है तो साइल्स मदर होगी 3x। आफ्टर 5 years देयर एज विल बी एडिड टू 66 years, क्योंकि एज कितनी हो जाएगी 66 years, 5 साल बाद, यानी कि एक्स इस टाइम पे है, 5 साल बाद साइल की एज क्या हो जाएगी x प्लस 5, और मदर की क्या हो जाएगी 3x प्लस में 5। तो तब क्या है, देयर एज विल बी एडिड टू 66 years, फाइंड देयर प्रेजेंट। आपको प्रेजेंट एज निकालनी है, तो आप क्या करोगे, x प्लस 5, ठीक है, और 3x प्लस 5, इन दोनों का ऐड करोगे 4x प्लस 10 हो जाएगा, इसे इक्वल टू रखोगे 66। उन्होंने कहा है कि उन दोनों की जो एज है, ठीक है, 5 साल बाद जो उन दोनों की एज होगी, उन दोनों का जो एडिशन होगा वो 66 होगा। तो 5 साल बाद साहिल की तो x प्लस 5 हो गई, मदर की 3x प्लस में 5 होगी, इन दोनों का एडिशन 3x प्लस में x, 4x, 5 प्लस 5, 10, इट विल बी 66। सेम इसे सॉल्व कर लो, 10 यहाँ प्लस का, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, उसके बाद आप इसे डिवाइड कर लोगे। क्लियर। देखो एक्स की 14 हो जाएगी, फिर मदर की निकाल लेना, 14 + 42,
बंसी हैज़ 3 times एज मैनी, इस सम को अभी छोड़ दो, करवाऊंगी, लेकिन आपके जो मेन सम आ रहे हैं वो है द सम ऑफ 3 consecutive मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363 5 दे कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स बोला इन्होंने, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स क्या हो गया, सपोज आपने एक्स ले लिया, इन्होंने कहा 11 के हैं, ठीक है, एक्स हो गया आपका मल्टीपल ऑफ 11, तो नेक्स्ट क्या होगा, एक्स प्लस 11, उसके बाद क्या होगा, एक्स प्लस, जैसे अगर आपका कोई नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब हो गया लगातार गिनती में आ रहा है, जैसे एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर क्या होगा, एक्स प्लस 1 हो जाएगा, फिर एक्स प्लस 2 हो जाएगा, फिर एक्स प्लस 3 हो जाएगा, इस तरह से है सेम, ठीक है। तो इन्होंने कहा है कॉन्सिक्यूटिव हैं मल्टीपल्स हैं 11 के, तो आपके क्या है 363 आ रहा है, तो आपने क्या करा, एक्स पहला हो गया 3 बोला इन्होंने, 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, तो दूसरा हो गया एक्स प्लस 11, तीसरा हो गया एक्स प्लस में 22, 11 का डबल 22 इक्वल टू 363। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका यही आएगा, पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर एक्स, दूसरा एक्स प्लस 11 क्योंकि मल्टीपल से इन्होंने 11 दिया है, तीसरा हो गया एक्स प्लस 22, थर्ड हो गया आपका एक्स प्लस 22 इक्वल टू 363। जब आप इसे सॉल्व करोगे एक्स प्लस एक्स, एक्स की साइड इज फॉर्म से एक तरफ ले आना, और जो आपकी विदाउट एलजेब्रिक है उनको एक तरफ ले जाके कर देना, जैसे यहाँ पे ये प्लस का है तो वहाँ जाके माइनस का चेंज हो जाएगा, क्लियर। तो 3x आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका x इक्वल टू 110, तो आगे के मल्टीपल्स प्लस में इसमें 11 ऐड करोगे सेकंड मल्टीपल्स हो जाएगा, फिर उसमें अगेन 11 ऐड करोगे तो वो आपका थर्ड मल्टीपल्स हो जाएगा, इस तरह से आपको सम करने हैं, ठीक है। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है सम्स की अपनी एक्सरसाइज 2.2 में, फर्स्ट सेकंड फोर्थ सिक्स्थ सेवन्थ फिफ्थ एट्थ, ये आप लोग ट्राई करोगे, क्लियर ना। मैंने आपको यहाँ पे जो ये सम छोड़ा है ये मैं आपको कल समझाऊंगी, ठीक है, ये मैं आपको कल समझाऊंगी 8th and 10th and 11th, और फिर एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्लियर। प्रैक्टिस करना, ट्राई करना।